Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updated videos. Hello everyone, I am Neha from Query Solution, one-stop solution for all your queries. आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन. ओके, प्रीवियस एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसे देखिए. और उसी के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट द टॉपिक एंटाइटल्ड इज न्यूट्रिशन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. ओके डियर, सो न्यूट्रिशन अगर हम समझते हैं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म न्यूट्रिशन. आपने शायद सुना होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, राइट. उन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम उनसे एक डाइट चार्ट लेने की कोशिश करते हैं, हम उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, क्या खाना हमें नहीं खाना चाहिए. सो न्यूट्रिशनिस्ट आर एक्चुअली दोज पीपल जो कि हमें ये बताते हैं कि व्हाट वी शुड ईट एंड व्हाट वी शुड नॉट. सिमिलर फॉर्म में न्यूट्रिशन का भी मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो किससे है, फूड से. सो हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग व्हाट, ऑब्टेनिंग फूड इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. अगेन आई विल से, व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग और ऑब्टेनिंग द फूड, खाना जो हम खाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी से दैट एज न्यूट्रिशन, जिसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं खाने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. सो देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक एंड वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रो ट्रॉफिक. ओके, सो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ ट्रॉफिक का मतलब होता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ऑटो? ऑटो इज़ नॉट दैट ऑटो जो ऑटो रिक्शा में मिलती है, दैट इज़ नॉट एन ऑटो ओवर हियर. ऑटो का मतलब यहाँ पर होता है सेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? सेल्फ मीन्स अगर कोई भी चीज़ जो खुद से होगी उसे हम कहेंगे सेल्फ. ओके, सो अगर अब मैं इस टर्म को कंबाइन करके आपको समझाऊँ, सो व्हाट कैन बी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसे न्यूट्रिशन का तरीका जो खुद से होता है, जिसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इफ़ यू सी एग्जाम्पल कि किसके अंदर ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सो अगेन आपके दिमाग में एक एग्जाम्पल ज़रूर होएगा, दैट इज़ प्लांट्स. प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लानट जिन्हें किसी के भी ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. दे आर द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो खुद अपना खाना बनाते हैं. हाँ, उन्हें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की ज़रूरत ज़रूर होती है जो अभी हम पढ़ेंगे, बट दे डोंट डिपेंड ऑन अस. वो ह्यूमन्स पर डिपेंड नहीं है, वो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं है फूड बनाने के लिए, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट अस सी इन डिटेल हाउ दिस मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअली अकर्स. ओके, ऑल राइट, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तरीका जो कि खुद से हो रहा है, दैट अकर्स बाय सेल्फ, इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. विच एग्जाम्पल आर वी स्टडिंग अबाउट? वी आर स्टडिंग दिस कंडीशन इन द केस ऑफ प्लांट्स. सो प्लांट्स में ऐसा कौन सा तरीका है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने में उन्हें हेल्प करता है? यू ऑल नो दिस टर्म आई गेस, द नेम ऑफ दैट टर्म इज़ फोटोसिंथेसिस. आई होप ये टर्म आप सभी को पता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? देखिए, इस टर्म को भी हम थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस? सिंथेसिस करना मीन्स व्हाट? टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को बनाना. अब यहाँ पर फोटो का क्या मतलब है? अगेन, फोटो का मतलब डजंट मीन द फोटोज जो हम क्लिक करके फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है. यहाँ पर फोटो का मतलब यहाँ पर है लाइट. राइट, सो लाइट के प्रेजेंस में अगर प्लांट किसी चीज़ को बना रहा है, अभी हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किससे जुड़ा है? फूड से जुड़ा है.
सो इफ़ वी डिफाइन व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना दैट इज़ फूड अगर बना रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. ओके, और प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसकी मदद से होता है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. प्लांट को आखिरकार इस प्रोसेस को करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है. सो मैं आपको एक इक्वेशन बताती हूँ, वो इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी. सॉरी ये पेन मेरा काम नहीं कर रहा है. ओके, सो इट इज 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज क्लोरोफिल एंड वन इज सनलाइट, will give rise to C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. All right, now let us see ये चीज़ें क्या है. CO2 आप सबको पता है what it is. It is a gas which is known as carbon dioxide. Water, H2O हम सभी को पता है. Chlorophyll, sunlight अभी हम discuss करेंगे. O2 is what? O2 is oxygen. Again, this is what? This is वाटर. नाउ रिक्वायरमेंट नंबर वन, अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करना है तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे सबसे पहले ज़रूरत होती है किस चीज़ की, उसे ज़रूरत होती है सनलाइट की. ओके, नाउ अभी सनलाइट जो है ऑफकोर्स कौन देगा उसे, सन देगा, सन से उसको सनलाइट मिलेगा. तो सबसे पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो होता है कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ H2O. अब मुझे एक बात बताइए, H2O इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है हाइड्रोजन और दूसरा आ रहा होगा ऑक्सीजन. सो अगर वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो ऑफकोर्स ये किन एलिमेंट्स में बढ़ जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. थर्ड स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में होती है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इंटू C6H12O6 जो अभी हमने यहाँ देखा. Now those who don't know what is the meaning of C6H12O6, let me tell you, this is known as glucose. हम सब glucose खाते हैं, काफ़ी sweet होता है nature में, right? यही glucose को actually plants जो है वो photosynthesis के process से बना रहे हैं. Now एक बार ध्यान से समझिएगा, what did I say you, what is photosynthesis? Plant में light के presence में किसी चीज़ का बनना, किसका बनना, food का बनना. अब यहाँ पर प्लांट का फूड एक्चुअली जो है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ग्लूकोज. और ग्लूकोज को बनाने के लिए प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले उसे ज़रूरत है किसकी, सनलाइट की. नेक्स्ट चीज़ उसे किसकी ज़रूरत है, क्लोरोफिल. नाउ व्हाट इज़ दिस क्लोरोफिल, आप सबको पता होगा कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं, दोज आर ग्रीन इन कलर, प्लांट हैव गॉट ग्रीन लीव्स, राइट. ये जो ग्रीन लीफ का कलर ग्रीन होता है दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज़ नोन एज व्हाट, विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल. आप सब लोगों ने एक सेल ऑर्गेनल पढ़ा होगा 9th क्लास में जिसका नाम था क्या, क्लोरोप्लास्ट, पढ़ा है. सो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये कौन सा सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल होता है जो कि अपने अंदर इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसका क्या नाम है, क्लोरोफिल, उसे अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो प्लांट को ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या है, वाटर. सो हम सब प्लांट्स को पानी देते हैं, वो पानी जो रहता है वो प्लांट में एब्जॉर्ब होकर रूट से लेकर स्टेम तक, मतलब ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्लांट को ज़रूरत होती है दैट इज़ CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो, सनलाइट से लाइट एनर्जी मिल गई, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑलरेडी लीव्स में मौजूद है, पानी आपने दे दिया, वाटर अवेलेबल हो गया. नाउ हाउ विल प्लांट गेट दिस कंपोनेंट विच इज़ नोन एज व्हाट, CO2, क्योंकि CO2 ही है जो कि अल्टीमेटली रिड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये CO2 ऑफकोर्स हमें पता है कहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं अगर ये मौजूद है तो वो है कहाँ पर, एयर, दैट इज़ हमारी एटमोसफियर में मौजूद है. अब ये CO2 कैसे प्लांट्स के अंदर जाएगा सो दैट ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके,
सो यहाँ पर अब रोल आता है किस चीज़ का, प्लांट की लीव्स का, विच आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अगेन आई एम सेइंग, अब आपने एक एक्सपेरिमेंट अगर किया होगा या हो सकता है शायद अभी आप करेंगे, जिसमें एक लीफ का छोटा सा सेक्शन, एक छोटा सा पत्ती का टुकड़ा निकाल कर उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है. एंड व्हेन यू ऑब्जर्व दिस सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप, आपको इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स, जिनको हम कहते हैं छेद, होल्स, वो दिखते हैं. सो व्हाट आर दी स्मॉल पोर्स नोन एज? दोज आर एक्चुअली नोन एज स्टोमेटा. What do we say them? The little little pores which are present on the surface of the leaf, those are known as what? Those are known as stomata. अब प्लांट में ये stomata ही कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, जो कि CO2 को इसके अंदर लाने का काम करेगा. Now how does that happen? Let us watch out that. Okay. So ये जो stomatas की अभी हम बात कर रहे हैं, इसका एक स्ट्रक्चर अगर हम इस तरीके का पढ़ें, तो यहाँ पर दो conditions हम पढ़ेंगे. एक कंडीशन जबकि ये स्टोमेटा जो है वो ओपन है, और एक कंडीशन जब ये स्टोमेटा है वो क्लोज है. अभी कैसे होगा इसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर एक मीनिंग पढ़ते हैं, दैट इज़ द नेम ऑफ दैट टर्म इज़ गार्ड. अब गार्ड आपने हो सकता है पहले कभी सुना हो, हमारे घर के शायद सामने जो हमारे गेट्स होते हैं वहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम सिक्योरिटी भी बोलते हैं. ये गार्ड्स लोग जो होते हैं, एक्चुअली इनका क्या काम होता है? प्रोटेक्शन करना, राइट? सो ये अगर मैं कहूँ कि ये जो छोटा सा ब्लैक ओपनिंग अगर स्टोमेटा है, तो इसके बाहर जो ये रेड लाइनिंग आपको दिख रही है, दीज रेड लाइनिंग आर अ स्पेशलाइज सेल्स विच आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज गार्ड सेल्स. ओके, इफ दिस लिटिल ओपनिंग इज द स्टोमेटा, देन दिस रेड आउटर कवरिंग विच इज प्रेजेंट, दोज आर नोन एज व्हाट? दोज आर नोन एज गार्ड सेल्स. अब गार्ड सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया, गार्ड क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा. सो ये गार्ड सेल्स एक्चुअली स्टोमेटा को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, नंबर वन. नंबर टू, एट द सेम टाइम ये स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोजिंग को भी मॉनिटर करता है. अब ये कैसे करेगा? लेट अस वॉच इट आउट. मुझे एक बात बताओ, अगर एक छोटी सी वेसल में मैंने रेजिन्स, जिसे हम किशमिश बोलते हैं, किशमिश को अगर मैंने डाला है, If I watch it out after 1 hour, मतलब एक घंटे बाद अगर मैं उसे देखूंगी तो क्या होगा? वो किशमिश ऐसी की ऐसी रहेगी क्या? Of course not. क्या होगा? वो किशमिश में पानी के एंट्रेंस के कारण उसका शेप क्या हो जाएगा? बड़ा. It will swell in nature. सेम वे अब यहाँ पर हम फिर से बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में. सनलाइट मिला, नंबर टू क्लोरोफिल मिला, नंबर थ्री जैसे ही वाटर मिला. अब पानी जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, व्हाट विल हैपन? अगर गार्ड सेल का नेचर पहले इस तरीके का है, अगर वो श्रिंक्ड है, तो धीरे धीरे क्या होगा? पानी भरेगा उनके अंदर. जैसे जैसे पानी भरेगा, जैसे किशमिश फूल गई, ऐसे क्या होगा? गार्ड सेल्स भी फूलेंगी. जैसे जैसे गार्ड सेल्स फूलेंगी, उनके अंदर इस तरीके से एक ओपनिंग खुल जाएगी. ये मेरा हाथ देख पा रहे हैं आप थंब? ये ओपनिंग जो अंदर की तरफ से खुली है, दिस ओपनिंग इज एक्चुअली नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज स्टोमेटा. ऑलराइट, समझ में आ रही है आपको बात? सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है, ये वाटर क्या करता है? गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स को स्वेल कर देगा. जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेल होंगी नेचर में, उनके अगर पहले इस तरीके से बंद थी, तो इस तरीके से उनकी एक ओपनिंग खुलेगी और ये जो स्टोमेटा का पूरा पोर है अंदर, वो खुल जाएगा. एंड एज सून एज स्टोमेटा विल ओपन अप, व्हाट विल हैपन? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट विल कम इनसाइड द स्टोमेटा एंड देन दिस रिएक्शन विल कंप्लीट. 6CO2 + 12H2O विल गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. सो इफ आई समराइज यू अप हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स. नंबर वन सनलाइट, नंबर टू क्लोरोफिल, नंबर थ्री वाटर एंड नंबर फोर CO2. When the guard cells will open up, when they will swell due to entry of water, the stomata will open. अगर guard cell के अंदर से पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? अगर इस किशमिश के अंदर से पानी की कमी हो गई, ये वापस श्रिंक हो जाएगा नेचर में. सेम वे अगर guard cells में पानी की कमी होगी, when water will not be there, the guard cell will shrink. And as soon as the guard cells will shrink, the stomata will get closed. स्टोमेटा ओपन कब होगा? जब गार्ड सेल स्वेल होंगी, देन स्टोमेटा विल ओपन, गैस विल कम इनसाइड. व्हेन द स्टोमेटा, जब गार्ड सेल्स में पानी की कमी होगी, स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड. व्हेन स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने की ये है कि गार्ड सेल्स हमेशा ओपन नहीं रहती हैं.
गार्ड सेल्स ओनली गेट्स ओपनड अप व्हेन दे नीड टू ईदर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और दे नीड टू एक्सचेंज द गैसेस. ओनली एट दैट टाइम द गार्ड सेल रिमेन ओपन. एंड फोटोसिंथेसिस का अगर एंड प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनना है अगर वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज़ वॉट ग्लूकोज. सो आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर विद दिस प्रोसेस इन डिटेल. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं, उन्हें सिर्फ इन चार चीज़ों की ज़रूरत है, 1, 2, 3 and 4. अगर ये सारी चीज़ें इन्हें अवेलेबल होगी, सिन प्लांट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज, एट द सेम टाइम इट विल इवॉल्व ऑक्सीजन एंड एट द सेम टाइम इट विल रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल. सो दिस इज हाउ प्लांट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ऑल राइट, सो हैव अ गुड डे.